तो हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों के। तो स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने और एक नई वीडियो पे और अपने चैनल पे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो YouTube कम्युनिटी की और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाया हुआ हूँ ना मैं, जो आप लोग को YouTube में भी कहीं देखने को नहीं मिली होगी और कहीं पर भी देखने को नहीं मिली होगी और सुनाई भी आप लोग को कहीं से दिया नहीं होगा और किसी ने बताया भी नहीं होगा आप लोगों को। तो ये जो आज की जो वीडियो रखने वाला हूँ ना मैं, जिस टॉपिक पे है वो जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से जो है नोटिस कर रहा हूँ यार उस चीज़ को अपने गाड़ी से रिलेटेड। तो मेरे पास आप लोग को पता है कौन सी गाड़ी है, मैं जिस गाड़ी को ऑन करता हूँ वो मेरे पीछे ही खड़ी है। दो तीन चीज़ें आप लोग को मैं इस गाड़ी की ऐसी बताने वाला हूँ ना, जो मैं अभी ही रिसेंटली ही कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ यार, वो पता नहीं क्या चीज़ है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग अगर जानते हैं इस चीज़ के बारे में, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ बोलता हूँ यार, आप लोग सीरियस होना, इस वीडियो को सीरियसली देखना, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ है, वो ख़राब हो सकती है या फिर कुछ डिफेक्टेड है या फिर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो सब कुछ आप लोग को बताऊँगा। दो तीन चीज़ें हैं उसमें से एक जो है कॉमन चीज़ है जिसके बारे में सबको पता है, चलो फिर भी उस चीज़ को मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो अभी चलो आप लोग को मैं दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है। आ जाओ, सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक क्लिप है मेरे पास ना, अभी जो है थोड़ा सा आप लोगों पर दिखाई नहीं देगा, एक क्लिप है मैंने उसमें उसकी बनाई हुई, वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो उस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान से देखना है यार, वो चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही है मुझे और समझ में भी नहीं आ रहा, और एक तरीके का डर भी है कहीं कुछ सीन ना हो जाए या फिर नट या बोल्ट कुछ ढीले ना हुए हो इस गाड़ी के। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सबसे पहले कि वो चीज़ है क्या ऐसी जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ आ जाइए, सबसे पहले ना ये जो पैनल गैप आप लोग ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे, जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पे आप ढंग से फोकस करो एक बार कि ये जो आप गैप देख रहे हैं ना यहाँ, ये जो बीच का जो इसके दरवाजे का जो गैप है वो देखिए आप यहाँ पे कितना सा है। आप लोग ढंग से देखना इस चीज़ को, पूरा नीचे तक यहाँ पे आप लोग गैप देख पा रहे होंगे कि इस वाले दरवाजे में कितना सा गैप है। और मेन जो है ना इसका ये वाला गैप है, जो आप लोग को पियानो फिनिश दिया गया है ना इस गाड़ी में, अभी गाड़ी गंदी है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये वाला जो गैप है ना देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पे इतना है। अब आ जाओ आप लोग को जो है ना, मैं दूसरे वाले साइड में दिखाता हूँ आप लोग को कि क्या झोल है इसका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जो चीज़, वो आप लोग को पैनल गैप मैंने बताया था ना, ये आप देखिए आप इस वाले साइड का जो है ना गैप, वो देखिए आप, वीडियो को पॉज करना आप लोग और देखना कि दोनों को कंपेयर करके कि दोनों में कितना ज़्यादा गैप है। और यहाँ का जो है ना आप लोग ये भी देख सकते हैं, बिल्कुल लेवल पे नहीं है ये वाला, ये ज़्यादा नीचे है और यहाँ से ज़्यादा ऊपर है, और गैप देखिए इन दोनों साइड इनका, देखिए इस वाले दरवाजे में देख सकते हैं आप, परे वाले से ज़्यादा गैप है आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अभी ये देख पा रहे होंगे आप लोग। ये चीज़ जो है ना भाई, जो आप लोग को मैंने ये दिखाया ना, इसके साथ मैंने एक वीडियो पहले ही शूट की हुई थी, थोड़ी सी जो क्लिप होगी ना उसको मैं प्लीज़ बोलता हूँ आप लोग को ध्यान से देखना, इतना सा पतला सा गैप बचा हुआ था परे वाले दरवाजे पे, सिर्फ इतना सा। और ये वाला जो को ड्राइवर वाला होता है ना, इसमें बिल्कुल इतना चौड़ा सा जो है ना गैप था, और उस वाले में बिल्कुल पतली सी थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चीज़ हुई क्यों और ये चीज़ हो क्यों रहा है, ये जब गाड़ी या स्टेबल नहीं है या फिर इसके जो नट बोल्ट है वो ढीले हुए हैं या फिर कुछ भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ, जो मैंने दो तीन चीज़ों के बारे में बताया था, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कैमरा जरा फोकस करना है यहाँ पे, ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ अंदर छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, और ये जो इसकी जो ये वाला ये जो ह्यूमैनिटी लाइन है ना एक क्रोम वाला, इसका भी जो है आप लोग ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें यहाँ डिस्टेंस आ रहा है और किस तरीके से जो है ऊपर नीचे यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। पैनल गैप की बात करें ना, तो पैनल गैप इसमें काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग को दूसरे साइड भी दिखाता हूँ मैं, जरा इस साइड आ जाइए, यहाँ पे आप लोग को भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पैनल गैप कितना ज़्यादा है, मतलब दोनों जो है ना ये बराबर में नहीं है, ये ज़्यादा ये नीचे है यहाँ से और ये ज़्यादा ऊपर है। अब यहाँ से ऊपर आप लोग को मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ये वाला जो है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है बिल्कुल भी बराबर नहीं है इस साइड, और इससे जो ज़्यादा है ना वो को ड्राइवर वाले साइड है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ को ड्राइवर वाले साइड को, इधर आइए आप लोग, ये देखिए आप, ये तो आप लोग को हैरान ही कर देगा, ये वाला जो ऊपर ए पिलर है ना ये बिल्कुल ही अंदर है, और ये वाला जो इसका ये फेंडर है ना ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा ऊपर है इस वाले से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और हिल भी रहा है, ये आप लोग अगर ढंग से नोटिस कर रहे होंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हिल भी रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ हुई क्यों है और किस वजह से हो रही है, ये काफ़ी टाइम से जो है ना मैं नोटिस कर रहा हूँ इस चीज़ को यार, तो मुझे जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये हो क्या गया है इसको, और या उबड़ खाबड़ में रखने से या फिर ऊपर नीचे गाड़ी हो रही है या फिर उस वजह से ये इसमें इतना ज़्यादा गैप आ रहा है या फिर कुछ भी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी सोच रहा हूँ मैं कि उन लोगों से ज़रूर बात करूँगा मैं एक बार सर्विस सेंटर वालों से कि भाई गाड़ी के साथ ऐसा ऐसा सीन हो रहा है कि क्या है, दरवाजे इसके डिले हो रहे हैं या फिर कुछ भी इसके जो है कुछ स्क्रूज़ वगैरह इसके डिले हो रहे हैं या फिर कुछ भी है यार, तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस चीज़ को देख के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं अंचर पंचर डीले हो गए हो इस गाड़ी के, कहीं कुछ बीच रास्ते में धोखा दे दिया गाड़ी ने, कहीं दरवाज़ा ही निकल गया। तो डर इतना बना हुआ है मेरे अंदर कि अब मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता यार, सच में बता रहा हूँ, मन में काफ़ी ज़्यादा डर मेरे बैठा हुआ है। आप लोग देखो यार यहाँ पे कितना ज़्यादा पैनल गैप आप लोग को यहाँ पे मैंने दिखाया था,
परे वाले दरवाजे में काफ़ी ज़्यादा गैप है और इस वाले में बिल्कुल भी गैप यहाँ पे आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप लोग जो है वीडियो को आगे पीछे करके देखना, दोनों को कंपेयर करना एक दूसरे से। यहाँ पे जो है ये तो ये वाला जो है ना बिल्कुल सीधा है, पर ये जो है यहाँ पे गैप इसमें बिल्कुल भी नहीं है यार। तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आखिर ये क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है ये। तो ये चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। और जो तीसरा जो कॉमन चीज़ आप लोग को मैंने बताया था ना, वो तो इसका पीछे वाला है ये, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है धूल मिट्टी बैठता ही रहता है। उस चीज़ को तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उस चीज़ का कोई इलाज भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, अगर आप लोग को आवाज़ थोड़ी सी भी ख़राब आएगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मुझे बस आप लोग एक चीज़ बताना यार, एक चीज़ ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना अगर, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना ये कि ये क्यों हो रहा है और क्या वजह है इसकी। मैंने जो है ना इसके जो है पूरे के पूरे जो है दरवाजे भी हिला के देख लिए, दरवाजों में भी कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर ये जो गैप है किस वजह से आ रहे हैं मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पर आप लोग को जो है मेरा साथ देना ही होगा। आप लोग अगर जानते हैं इस चीज़ के बारे में, अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में बताना। आप लोगों से जो है मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ क्यों है। मैं तो वैसे सर्विस सेंटर में पूछने की कोशिश तो करूँगा पूरी कि भाई ऐसी ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, पर क्या पता क्या ही फ़र्क होगा कि आप, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है, बस हम लोग को जो चीज़ें दिखाई देती है वो सब आप लोगों से शेयर करते हैं। तो मेरी जो पिछली वीडियोज़ थी उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ ऐसा बताया हुआ है, पर इस चीज़ को जो है ना नेगेटिव साइड में बिल्कुल भी मत लेना कि गाड़ी की बुराई कर रहा हूँ। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना भाई, उससे जो है ना दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मन में एक फिकर आ जाती है कि भाई अपनी गाड़ी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं चलते फिरते रास्ते में कुछ ना हो जाए ऐसा। तो आप लोग मुझे बस ये चीज़ बताना कि भाई ये चीज़ ऐसी है या फिर नहीं है, या फिर ये कुछ डिफेक्टेड है या फिर जो भी है। आज से पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मैं अभी बस कुछ ही टाइम से जो है इसको नोटिस कर रहा हूँ और पता नहीं अब क्या चीज़ होगा। तो आप लोगों ने देख लिया और प्लीज़ जो है इसको मजाक में बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप लोग के साथ भी कोई सीन होता होगा तो आप लोग मेरे साथ भी उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, पर अभी के लिए जो है आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए और क्या चीज़ इसमें फ़र्क हुई है इस गाड़ी के साथ, वो चीज़ मुझे ज़रूर बता देना। तो बस आप लोग को यही बताना चाहता था मैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, चाहे लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, कोई सीन नहीं है यार, पर मुझे जो है ना कमेंट में इस बार जो है आप लोग सजेस्ट करना कि भाई इस चीज़ के बारे में कि आखिर इस गाड़ी को हुआ क्या है। तो बस आप लोग को मैं यही दिखाना चाहता था। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना यार, प्लीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि इसी गाड़ी से रिलेटेड मैं आप लोग को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो चलता हूँ, फिर मैं मिलूंगा ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो में। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।